हेलो गाइस, दिस इज अमन एयर और आप देख रहे हैं कंपटीशन दुनिया विद अमन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस लेसन में दोस्तों जनरल अवेयरनेस जीके या आप बोलो करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सभी एग्जाम्स में कवर अप होने वाला है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं दो देशों के बीच में, खास करके हम बात करेंगे इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा एसएससी सीएचएसएल की बात करूँ, सीजीएल की बात करूँ, सीपीओ की बात करूँ या किसी राज्य की किसी भी एग्जामिनेशंस की मैं बात करूँ अगर, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलता है। ऐसा नहीं है कि 90% प्लस एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी भी पुराने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लेंगे। तो चलिए इसी पर हम बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल चार्ट तैयार किया हुआ है और साथ में इसी को देख करके हम आगे अभी डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइजेस में देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंट्री नेम्स मेंशन किया और जो एक्सरसाइज होता है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी के बीच में जो भी एक्सरसाइज दो देशों के बीच में होता है जिसमें कि मेन कंट्री जो है वो इंडिया है, इंडिया के साथ जो कंट्री होता है उसका नाम इस रो में दे रखा है हमने, उस एक्सरसाइज का क्या नाम है वो इस कैटेगरी में मेंशन है। तो इस तरह से आप इसे समझेंगे, ठीक है। पहला जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम दोस्तों है एक्स ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम यही होगा, प्रोनाउंसिएशन यही रहेगा, सिर्फ हिंदी अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो इस वजह से दो बार लिखना थोड़ा सा हेक्टिक था और टाइम टेकिंग हो सकता था, दैट्स व्हाई मैंने दो बार इसे नहीं लिखा, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग में। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया के जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसका नाम जो है दोस्तों वो है संप्रीति, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान से रखना और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप देख सकते हो वहाँ जाकर या उसे पढ़ भी सकते हो। चाइना में जो एक्सरसाइज होता है दोस्तों उसे कहते हैं हैंड इन हैंड, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में होता है। फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होता है दोस्तों उसका नाम रखा गया है शक्ति, और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई गेस 2017 के एसएससी के पेपर में ये पूछा जा चुका था। तो इंडोनेशिया के साथ जो होता है वो गरुड़ शक्ति होता है। कजाकिस्तान के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो प्रबल दस्तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है, ये मैं 100% कंफर्म हूँ, शायद 2017 या 2018 में पूछा गया, ये मैं एग्जैक्टली नहीं याद है लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों किर्गिस्तान की। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो कजाकिस्तान है और ये किर्गिस्तान है, तो दोनों में आपको फ़र्क है, देखने में सिमिलर लग रहा है लेकिन फ़र्क है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं करना है आपको। इसके साथ जो एक्सरसाइज होता है दोस्तों इस कंट्री के साथ उसका नाम है खंजर। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मालदीव्स के साथ, तो उसका नाम दोस्तों रखा गया एक्विविरेन, ठीक है एक्विविरेन। मंगोलिया के साथ जो होता है दोस्तों उसका दो नाम है बेसिकली, नोमैडिक एलिफेंट एज वेल एज खान क्वेस्ट। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के साथ जो होता है उसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। और ये एक चीज़ और मैंने आपको ब्रैकेट में यहाँ समझाने के लिए मैंशन कर दिया, बाई एनुअल मतलब साल में दो बार, एनुअली मतलब साल में एक बार होता है, बाई एनुअल मतलब साल में कितने बार, तो दो बार ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं ओमान के साथ, तो अल नागा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये शायद 2018 का क्वेश्चन है अल नागा, ठीक है ओमान के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चंस एग्जाम्स होते हैं आपको आजकल पता है, सीएचएसएल की हो चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो आजकल काफ़ी सारे शिफ्ट्स में होते हैं, रेलवे की एग्ज़ाम्स हुई थी तो 5 शिफ्ट 6 शिफ्ट 7 शिफ्ट एक एक दिन में दो दो शिफ्ट, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सेट्स बनते हैं। तो अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो दूसरे शिफ्ट में भी पूछा जाता है, लेकिन हाँ अगर ओमान का पूछ दिया गया पहले शिफ्ट में तो सेकंड शिफ्ट में श्रीलंका, रसिया, सिंगापुर किसी के साथ पूछ सकता है, तो इस वजह से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। रसिया के साथ बात करें अगर तो उसका नाम है इंदिरा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वहाँ पर हम लोग आते हैं सिंगापुर, तो उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसी प्रकार अगर श्रीलंका के साथ बात करें इसका नाम है दोस्तों मित्र शक्ति, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया है उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं इनके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैत्री और कोबरा गोल्ड। अब आते हैं दो पावरफुल कंट्रीज जो कि है यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम के साथ जो होता है दोस्तों उसका नाम है अजय वॉरियर, हिंदी में अगर हम देखें तो इस तरह से जो हम लिखते हैं अजय, ठीक
ठीक है, अजय वॉरियर, और यूएसए के साथ जो है दोस्तों यो वो है युद्ध अभ्यास, ठीक है, मीन्स प्रैक्टिस ऑफ वॉर, युद्ध अभ्यास। और एक नाम और है ब्रज प्रहार, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेवी की, ठीक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होता है दोस्तों उसका नाम है ऑसी इंडेक्स या ककाडू। अगर हम ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ कंबाइन जो होता है दोस्तों उसमें उसका नाम रखा गया इप्सामर। क्या रखा गया? इप्सामर। अब आप यहाँ पर अगर समझना चाहोगे तो आप समझ सकते हो इजीली दोस्तों, ऐसे से यहाँ पर आता है साउथ अफ्रीका, बी से आता है ब्राज़ील, आई से आता है इंडिया, ठीक है, और MAR से मरीन। तो इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से याद कर सकते हो, कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं अपने पर्सनली आपको टू रिकमेंड मतलब देख करके समझने के लिए आपको बताया मैंने। ब्रूनी के साथ होता है दोस्तों ADMM प्लस एक्सरसाइज, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दिया हुआ था दैट्स मैंने मेंशन कर दिया, कहीं पूछ ले क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले का कोई आइडिया नहीं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के साथ जो होता है दोस्तों उसका नाम है वरुण, ठीक है, याद रखेंगे। आप नेवी की बात कर रहे हैं, हम नेवी में फ्रांस के साथ जो होता है उसका नाम है वरुण। और इंडोनेशिया के साथ जो है दोस्तों यहाँ पर दो नाम आप देख सकते हैं, इंड इंडो बायलैट, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है एक्स कोमोडो, ठीक है, मल्टीलैटरल है और एक्स कोमोडो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। मलेशिया के साथ होता है दोस्तों आर्फिड्रेक्स, क्या होता है? आर्फिड्रेक्स। म्यांमार के साथ होता है इमकोर, IMCOR, ठीक है, ओमान के साथ होता है नसीम अल बहार, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, ओमान के साथ नसीम अल बहार ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। और रसिया का तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंद्र नेवी नाम है और नाम भी आप देख सकते हैं इंदिरा नेवी, अगर इंग्लिश में आप जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहे, हिंदी में इस तरह से आप लिख सकते हैं इंद्र नेवी, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार बाकी देशों का भी होता है जिसमें कि सिंगापुर के साथ होता है सिम्बेक्स और श्रीलंका के साथ होता है स्लाइनेक्स। आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी, सिंगापुर के SI के हिसाब से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, श्रीलंका के SL, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, EX से एक्सरसाइज हो गया। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। थाईलैंड के साथ होता है दोस्तों इंडो थाई कॉर्पैट, इंडो से मतलब है इंडिया, थाई से मतलब है थाईलैंड, और कॉर्पैट बाई एनुअल होता है साल में दो बार। यूनाइटेड किंगडम के साथ जो होता है दोस्तों उसका नाम है कोनकन। और बात करते हैं अंत में USA के साथ, तो वो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मालाबार और रिमपैक। रिमपैक मल्टीलैटरल है और मेनली चलता है मालाबार, ठीक है ना। अब लास्टली आ जाते हैं जो कुछ चार पांच हैं दोस्तों, एयरफोर्स ज्वाइंट एक्सरसाइजेज। ये ज़्यादा नहीं होती हैं, ज़्यादा कंट्री के साथ नहीं परफॉर्म होती है, लेकिन हाँ कुछ जो होती है वो आपको हम यहाँ पर बतला देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं सिर्फ आठ एक्सरसाइज के नाम है जो कि एयरफोर्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा हमने देखा आर्मी, उसके बाद नेवी, और उसके बाद अब एयर के देखते हैं। तो एयर में दोस्तों अगर फ्रांस के साथ बात करें तो एक्स जो एक्सरसाइज है वो गरुड़ वी है, ठीक है। ओमान के साथ बात करें तो ईस्टर्न ब्रिज 4। रशिया के साथ बात करें दोस्तों तो अवीन्द्र 14, ठीक है, अवी इंद्र 14। इंद्र 14 के पहले क्या लगा हुआ है? AVIA, इंग्लिश में पढ़ेंगे अगर तो अव्यय इंद्र 14, ठीक है। सिंगापुर के साथ जो है दोस्तों वो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम से है। थाईलैंड के साथ जो है दोस्तों उसे कहते हैं सियम भरत, ठीक है, सयम भरत। यूनाइटेड अरब इमीरात के साथ है, UAE के साथ जो है दोस्तों उसका है डेजर्ट ईगल 2, डेजर्ट ईगल 2। यूनाइटेड किंगडम के साथ बात करें अगर हम लोग तो इसका नाम है दोस्तों इंद्रधनुष 4। यूनाइटेड किंगडम के साथ है इंद्रधनुष 4, और USA के साथ है रेड फ्लैग। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो होता है वो है उसका नाम रेड फ्लैग। और इन सारी का जो ये मैंने अभी बताया दोस्तों, इन सारे का PDF मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप जा करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। PDF की लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो PDF के लिए। और इस तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग अगर आप पहली बार आए हो तो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अगले बार से वीडियोज़ अपडेट मिल पाएंगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।